हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन हार्ट का डायग्राम स्टडी कर लिया था, तो अब इसको पॉइंट्स में स्टडी कर लेते हैं एक बार। ह्यूमन हार्ट मैंने बताया था कि मायोजेनिक ओरिजिन का होता है। मायोजेनिक का मतलब क्या है कि जो ऐसे नोड है, पेसमेकर भी बोलते हैं, वो खुद से इम्पल्सिस जनरेट करता है। हमारा हार्ट किसी और ऑर्गन पे डिपेंड नहीं करता बीट करने के लिए, तो इसलिए ये यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑप्शन में पूछ लिया जाता है मायोजेनिक न्यूरोजेनिक। तो तुम्हें मायोजेनिक याद रखना है। ह्यूमन हार्ट कार्डियक मसल्स से मिलकर बना होता है। कार्डियक मसल्स जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, फोर चैम्बर्स होते हैं, टू ओरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स। ह्यूमन हार्ट का काम ब्लड को पंप करने का है, दैट्स वाई हार्ट को पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। जो कि कैसा ब्लड पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड का मतलब है ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो आर्टरीज जो है नॉर्मली अगर हम देखें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो कि एक एक्सेप्शन है, मैंने हार्ट के डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया था, ये पल्मोनरी आर्टरी जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है राइट वेंट्रिकल से और लंग्स तक। वेन्स जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी, टिश्यूज से हमारे हार्ट के पास लेके जाती हैं, जो ऐसा ब्लड जिसमें CO2 की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है उस ब्लड को हार्ट में लेके जाएंगी। लेकिन पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन जो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही होती है हमारे हार्ट में दोबारा से। तो हार्ट से लंग्स में ले जाने का जो काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो पल्मोनरी आर्टरी का है, और लंग्स से वापस हार्ट में पल्मोनरी वेन लेके आएगी। और कैसा ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ह्यूमन हार्ट की जो कवरिंग है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। बाइकस्पिड वाल्व जिसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स एकदम इम्पोर्टेंट हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इनको एकदम अच्छे से समझ के और फिर याद कर लेना। राइट पोर्शन ऑफ हार्ट, राइट पोर्शन का मतलब क्या है कि हम राइट वाले पूरे पोर्शन की बात कर रहे हैं जिसमें राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल दोनों आ गए। तो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल जो है, ये राइट वाला पोर्शन सारा का सारा CO2 रिच ब्लड को कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल अराइज आयोटा, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, आयोटा ह्यूमन हार्ट के किस चैम्बर से अराइज होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट, जो कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। ह्यूमन हार्ट शोज डबल सर्कुलेशन, हमारा हार्ट डबल सर्कुलेशन शो करता है। डबल सर्कुलेशन कैसे है, डबल सर्कुलेशन इस टाइप से कंसिडर किया जाता है कि एक सर्कुलेशन तो ये है, हमारी बॉडी से आया हार्ट में, हार्ट से चला गया लंग्स में, ये हो गया एक सर्कुलेशन, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट में आ गया और हार्ट से लंग्स में चला गया, एक एक पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब दूसरा कब शुरू होगा, लंग्स से आया हार्ट में और हार्ट से हमारी एंटायर बॉडी में गया, तो ये टू टाइप्स का सर्कुलेशन हो गया। कहने का मतलब ये कि हमारे हार्ट में ब्लड जो है वो दो बार एंटर कर रहा है, एक बार आया फिर चला गया, फिर दोबारा से आया, उसके बाद फिर बॉडी में गया, तो ये एक सर्कुलेशन हो गया लंग्स तक, और लंग्स से दोबारा से हार्ट में और हार्ट से बॉडी में, ये हो गया दूसरा। तो इसीलिए हमारा जो सर्कुलेशन है ह्यूमन बींग्स में, वो डबल सर्कुलेशन कंसिडर किया जाता है। एक नॉर्मल पर्सन की अगर हम देखें हार्ट बीट, तो हार्ट बीट रेट होती है 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 70 से 72 बार अगर हमारा हार्ट बीट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एक बीट का ड्यूरेशन देखें, एक बार हार्ट को बीट करने में एक सेकंड से भी कम टाइम लगता है, 0.8 सेकंड्स लगते हैं सिर्फ, एक सेकंड भी नहीं लगता, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स है, लेकिन हार्ट 72 टाइम्स बीट कर रहा है। तो अगर सिंगल हार्ट बीट की जो ड्यूरेशन देखी जाए तो वो 0.8 सेकंड्स होगी। हार्ट बीट को मेजर करने के लिए डॉक्टर किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप को। लब और डब हार्ट साउंड्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब प्रोड्यूस होती हैं, जब भी हमारा हार्ट बीट करता है, हर एक बीट के दौरान लब और डब साउंड प्रोड्यूस होती हैं, और ये दोनों की दोनों क्लोजिंग साउंड्स हैं। लब और डब जो साउंड्स हैं, ये क्लोजिंग साउंड्स हैं, जो ये हमारे हार्ट के ये जो वाल्व हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व,
और सेमिल्यूनर वाल्व इनकी क्लोजिंग पे प्रोड्यूस होती है। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो लव और डब साउंड है वो क्लोजिंग साउंड्स है। इन पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है इनकी क्लोजिंग के टाइम पे प्रोड्यूस होती है फर्स्ट हर्ट साउंड जिसको बोलते हैं लव, और डब प्रोड्यूस होती है जब सेमी ल्यूनर वाल्व दोनों बंद होते हैं। सेमी ल्यूनर वाल्व की क्लोजिंग पे डब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो दोनों की दोनों साउंड क्या है? क्लोजिंग साउंड्स हैं, और जो कि ये जो हमारे हार्ट के वाल्व हैं इनके क्लोज होने पे प्रोड्यूस होती हैं। हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाइपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, वेरी हाई। तो हाइपरटेंशन जो है वो बहुत इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। हाइपोटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे हम कुछ और जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके हार्ट के बारे, हार्ट के चैम्बर्स भी स्टडी कर लेते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं काफी बार। तो फिश में अगर हम देखें तो फिश में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, बस एक ही ओरिकल होता है और सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। तो फिश के अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है, जबकि एम्फीबियंस में, फ्रॉग वगैरह जो है ये सब आते हैं एम्फीबियंस में, और रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स जिसमें स्नेक, लिजर्ड, छिपकली ये सब आ गए। तो तुम्हें ध्यान रखना है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिश में टू चैम्बर्ड था, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में एक चैम्बर और इंक्रीज हो गया, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होगा। दो ओरिकल्स होते हैं लेकिन नीचे जो वेंट्रिकल है वो सेपरेट नहीं होता, एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। तो लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि तुम्हें याद रखना है, क्रोकोडाइल, जो कि रेप्टाइल्स में ही आता है, लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर थ्री चैम्बर्ड हार्ट ना होके फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, एम्फीबियन रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड होता है लेकिन क्रोकोडाइल जो है उसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। बर्ड्स में और मैमल्स में, मैमल्स में ही ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, तो बर्ड्स और मैमल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, टू ओरिकल्स और टू वेंट्रिकल्स, और डबल सर्कुलेशन होता है। एड्रिनल ग्लैंड हमारी जो किडनी है उसके ऊपर, किडनी के लिए हम टर्म यूज करते हैं रेनल। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो किडनी के जस्ट अबव प्रेजेंट होता है, तो दैट्स वाई उसको बोलते हैं एड्रिनल। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है इमरजेंसी के दौरान। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है काफी बार कि एड्रिनल ग्लैंड का टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है, तो हार्ट है उसका टारगेट ऑर्गन। एड्रिनल ग्लैंड कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एपिनेफ्रिन हॉर्मोन्स, और वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होंगे और ब्लड से वो जाते हैं हार्ट पे, और उससे क्या होगा कि जैसे ही उनका टारगेट, तो एड्रिनल ग्लैंड का टारगेट ऑर्गन हार्ट होता है, हार्ट को टारगेट करेगा जिससे हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम इंक्रीज होता है इमरजेंसी कंडीशंस में। हमारे अगर ह्यूमन हार्ट के वेट की बात करें तो नॉर्मल पर्सन का जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका वेट होता है अप्रोक्स 300 ग्राम्स। हार्ट की स्टडी और उसकी डिजीज, इन सब से रिलेटेड जो हार्ट की जो स्टडी है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। तो फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था डॉक्टर सी एन बर्नार्ड ने। तो इस पे भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि विच डॉक्टर परफॉर्म्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, तो सी एन बर्नार्ड नाम का एक डॉक्टर था जिसने हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था सबसे पहले। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो कि क्या करता है, हार्ट की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ये भी तुम्हें ध्यान रखना है कि ECG किससे रिलेटेड है, ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड है। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्मर हार्ट साउंड इंडिकेट्स डिफेक्टिव वाल्व या फिर अबनॉर्मल वाल्व। तो मर्मर साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब हमारे वाल्व हैं सेमिल्यूनर वाल्व जब ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं उस टाइम पे मर्मर साउंड प्रोड्यूस होती है। तो डिफेक्टिव वाल्व होने की वजह से या फिर अबनॉर्मल फंक्शनिंग करने की वजह से प्रोड्यूस होती है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ह्यूमन हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता है। ऐसे नोड जिसको मैंने बताया था कि पेस मेकर भी बोलते हैं, साइनोएट्रिया नोड या फिर पेस मेकर, जो कि इम्पल्सिस जनरेट करता है हार्ट बीट को इनिशिएट करने के लिए। अगर हम देखें कि हमारा हार्ट एक पूरे दिन भर में नॉर्मली कितनी बार ओपन और क्लोज होते हैं हमारे वाल्व्स, तो एक दिन में अप्रोक्स 1 लाख टाइम्स हमारे हार्ट के वाल्व्स ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं एवरीडे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच।